पहले बिहार विधानसभा और फिर बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बवाल थमा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभा में इस मामले को उठा दिया और इंडिया अलायंस की चुप्पी पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस का कोई नेता माताओं और बहनों के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? इससे पहले बुधवार को बिहार विधानसभा में नीतीश के पहुंचते ही महिला बीजेपी विधायकों ने उनका घेराव किया, उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। हंगामा बढ़ता देख नीतीश ने खुद मोर्चा संभाला और माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मेरी बात सही नहीं लगी तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैं शर्म करता हूं और अपनी निंदा करता हूं। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहे मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपने औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। माफी मांगने के बावजूद नीतीश कुमार अपने बयान पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बिहार विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में नोटिस थमा दिया है। आयोग ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और विधानसभा के रिकॉर्ड से उनकी टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया है। चुनाव आज तक।